दोस्तों राजस्थान के अंदर जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों के बीच अटकलों का बाजार भी गर्म है। जी हाँ, अब ऐसी ही कुछ अटकलें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी रालोपा के बीच लगाई जा रही है। इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या असदुद्दीन और बेनीवाल की पार्टी एक साथ आएगी। जी हाँ, आज हम आपको इसी के बारे में पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने की घोषणा ने 2023 विधानसभा चुनाव का रोमांच बढ़ा दिया है। AIMIM का आना कांग्रेस के लिए सबसे बड़े खतरे की बात है। कई सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं। जैसा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर हुए निकाय चुनावों में इस पार्टी ने समीकरण बदल दिए थे। खुद भले हार गए, लेकिन कांग्रेस के हाथों से भी जीत छीन ली। ओवैसी के राजस्थान में आने का सबसे बड़ा कारण है यहां का मुस्लिम वोट बैंक। 2011 की जनगणना में यहां मुस्लिम जनसंख्या 9% से अधिक थी, लेकिन माना जा रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव तक इसमें 2-3% का इजाफा हो जाएगा। ये कांग्रेस का ही परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। हालांकि ओवैसी इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि उनकी पार्टी की नजरें मुस्लिम वोटरों के भरोसे यहां ताल ठोकेगी। प्रदेश में 40 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का खासा प्रभाव है। यह तय नहीं है कि ओवैसी के उम्मीदवार इन 40 में से कौन सी सीट जीतेंगे या कौन सी नहीं, लेकिन यह पक्का है कि इन सीटों पर ओवैसी की पार्टी जीत हार का फैसला करेगी। पिछले चुनाव में 40 में से 29 सीटों पर कांग्रेस, 7 पर बीजेपी, 3 पर बसपा और 1 पर निर्दलीय को जीत मिली थी। सभी बसपा विधायक और निर्दलीय कांग्रेस के साथ है, यानी 33 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। राजस्थान के 18 जिलों में करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या परिणाम में अहम रोल निभाती है। जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अलवर, भरतपुर, नागौर जिले में स्थित सीटों पर हर चुनाव में 15 से 16 के आसपास मुस्लिम प्रत्याशी जीते रहे हैं। वहीं 24 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का समर्थन या नाराजगी से हार जीत तय होती है। ऐसे में दोस्तों, चर्चा यह है कि क्या ओवैसी अपने अकेले के दम पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी या फिर रालोपा के साथ। ओवैसी के आने के बाद सियासी और चुनावी समीकरण किस तरह से बदलेंगे, कांग्रेस और भाजपा को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ने के ऐलान करने के बाद ओवैसी की पार्टी के प्लस और माइनस पॉइंट जानना भी जरूरी है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल दोस्तों, ओवैसी के पक्ष में जाने वाले अगर पॉइंट की बात करें तो यह मुसलमानों में लोकप्रियता, समुदाय से राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो चुके नेताओं में शामिल है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों को यह मुखरता से उठाते हैं। राजस्थान में करौली, जोधपुर सहित विभिन्न दंगों को लेकर इनके बयान छाए रहे। गहलोत सरकार पर लगातार कानून व्यवस्था, विकास सहित कुछ मुद्दों पर सवाल खड़े करते रहना। अगर हम ओवैसी की पार्टी के माइनस पॉइंट की बात करें तो सिर्फ एक समुदाय के भरोसे तीसरी ताकत बनना आसान नहीं है। चुनाव से पहले संगठन खड़ा करने के लिए सदस्यता अभियान को पूरे प्रदेश तक पहुंचाना आसान नहीं है। एक ही समुदाय से जुड़े होना, एक समुदाय के भरोसे तीसरी ताकत बनना आसान नहीं। जनता के बीच बीजेपी की बी टीम होने के आरोप को झूठा साबित करना भी ओवैसी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। हर क्षेत्र में स्थानीय लीडरशिप तैयार करना भी मुश्किल काम है। साथ ही साथ कांग्रेस की परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में पूरी तरह से सेंध लगाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में दोस्तों, AIMIM ने दावा किया है कि उनकी ओर से पिछले दिनों कराए गए सर्वे में लोगों ने उनकी पार्टी को समर्थन दिया है। सर्वे में मुस्लिम समुदाय ने कहा कि AIMIM राजस्थान में आए और मुस्लिम दलितों की आवाज बने। सर्वे में कहा गया कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव होता रहा है और उनके क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा। इसके अलावा AIMIM आदिवासियों से जुड़ी भारतीय ट्राइबल पार्टी, हनुमान बेनीवाल की बनाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित अन्य से गठबंधन के लिए संपर्क का दावा कर रही है। वहीं दोस्तों, बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान का कहना है कि लोकतंत्र में कोई कहीं भी जाकर चुनाव लड़ सकता है। पहले भी कई पार्टियां आई है, ओवैसी के आने से
बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नुकसान जैसी कोई बात नहीं है, पार्टी क्लियर मेजोरिटी से सरकार बनाएगी। हमेशा की तरह राजस्थान में ही दो पार्टियां मुख्य भूमिका में रहेगी, कांग्रेस और बीजेपी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हनुमान बेनीवाल और ओवैसी एक साथ आएंगे राजस्थान में, और अगर साथ आए तो कितनी सीट जीत सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर रखिएगा। साथ ही ऐसे ही न्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।